मैं मुंबई से। आज हमें गुलशन नगर की राशन की दुकान में मेरा राशन कार्ड भी यहीं का है। जैसे कि आप सभी को पता है पूरे महाराष्ट्र में और देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक महीने का राशन देने का वादा किया है और केंद्र सरकार ने मई और जून का राशन देने का फैसला किया है। प्रधान कुटुंब लाभार्थी राशन कार्ड PPL राशन कार्ड या उनसे नीचे वाले जिनको 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलता आ रहा था उन्हीं को ये राशन फ्री वाला मिलेगा। केंद्र सरकार का 5 किलो और राज्य सरकार का 5 किलो, मतलब एक आदमी को 10 किलो राशन फ्री मिलेगा। अगर आपके राशन कार्ड में 10 नाम है तो 100 किलो राशन कार्ड फ्री, 100 किलो राशन फ्री और आपके आपका नाम इसमें इस मशीन में भी फिंगर में भी होना चाहिए। और राशन कार्ड में 20 नाम है तो 200 किलो राशन फ्री। इस मई के महीने में आपको राशन का कोई पैसा नहीं देना है। इसके बावजूद भी कोई राशन की दुकान वाला आपसे पैसा लिया है या आपसे पैसा मांगता है तो आप हमें कंप्लेन करें, हम आपका पूरा पैसा वापस दिलवाएंगे और आपको फ्री राशन जितना मिला है पूरा आपके हक का राशन दिलवाएंगे। और कभी हम राशन की दुकान पर लेट जाते हैं तो राशन वाले कहते हैं कि राशन ख़त्म हो गया है या राशन बाद में आएगा, तो वहाँ से वैसे वापस ना आए। हर राशन की दुकान में ये कंप्लेन बुक होती है, ये उनका नंबर होता है, ठीक है। हर राशन की दुकान में ये कंप्लेन बुक मिलेगी तो इसमें अपना कंप्लेन रजिस्टर करें। इससे होगा ये कि जब भी महीने में एक बार राशनिंग ऑफिसर आते हैं, विजिट करते हैं, कंप्लेन बुक चेक करते हैं, अगर आपकी इसमें कंप्लेन होगी तो आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। अगर आपको राशन यहाँ से नहीं मिला होगा कहीं और से अरेंज करके देंगे। इसमें कंप्लेन बुक में अपना नाम, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर और एड्रेस ज़रूर डालें, ठीक है। अगर इसके बाद भी सबसे बेहतर होता है ये आपके राशन कार्ड में SRC नंबर, सारे राशन कार्ड में ये SRC नंबर होता है। अगर आपके राशन कार्ड में नहीं है तो आप अपने राशन कार्ड की राशन की दुकान पे जाइए, SRC नंबर डलवाइए। इससे होगा ये कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पता चल जाएगा कि आपके राशन कार्ड में आपको कितना राशन मिल रहा है, फ्री वाला आ रहा है या पैसे वाला आ रहा है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपके हक का फ्री वाला राशन पूरा आपको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन आपको कैसे चेक करना है इसकी वीडियो में आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर आएँ। जय हिंद साथियों, मैथिक खान। लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, लोग राशन के लिए वहाँ भटक रहे हैं। ऐसे में जिनके पास इस तरह का केसरी राशन कार्ड है, ऑरेंज राशन कार्ड है, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में जिनके पास ऐसा ऑरेंज राशन कार्ड है वो अपना राशन एक नाम पर 5 किलो छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको कितना कोटा आता है और कैसे वो कोटा देखना है इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वो वीडियो पूरा देखिए और अपना राशन उस कोटे के हिसाब से पूरा छुड़ाइए। देखिए, इस महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन का अनाउंसमेंट किया गया है। यानी इस महीने में आपको और अगले महीने में आपको, 2 महीने आपको किसी भी राशन शॉप पर जाकर पैसे नहीं देने हैं और आपको पूरा राशन छुड़ाना है जो कि एक नाम पर 5 किलो है। और इसके अलावा चना दाल जो है 1 किलो फ्री आया है इस महीने में, तो वो आप महा ईपोस की वेबसाइट, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, इस वेबसाइट को पूरा देखिए किस तरह से आपको आपका राशन का कोटा चेक करना है। इस कोटा को चेक कीजिए, आपके राशन शॉप के दुकान पर जाइए और राशन छुड़ाइए। सो दोस्तों देखिए, आपको अगर आपका कोटा जानना है तो उसके सबसे पहले आपको करना होगा क्या, क्रोम पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है महा ईपोस, MAHAEPOS.gov.in। आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो ये पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट पर आ गए आप। इस वेबसाइट पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो चौथा ऑप्शन है RC डिटेल्स, उस RC डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये आपको पूछ रहा है SRC नंबर एंटर करने के लिए। सो SRC नंबर और एक राशन कार्ड के ऊपर, हर एक राशन कार्ड के ऊपर 12 डिजिट का नंबर होता है जो 27 से स्टार्ट होता है, वो नंबर आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। वो नंबर एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ मुझे देखिए ये ओपन हो गया। इस पूरे कार्ड की डिटेल्स आ गई है। इस कार्ड में 5 नाम है और देखिए एंटाइटलमेंट कितना मिला इनको। ये एंटाइटलमेंट है इनका PMGKAY
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना की तरफ से वीट जो है यानी गेहूँ जो है 15 किलो, और यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना की तरफ से चावल जो है वो 10 किलो, उसके अलावा ये मे वीट मे राइस जो दिख रहा है ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 15 किलो गेहूं और 15 किलो चावल, यानी इनका जो कोटा था 5 नाम के हिसाब से 25 किलो होना चाहिए था, लेकिन इनको 50 किलो मिलेगा, डबल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फ्री दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी फ्री दे रहा है, ये पूरा राशन फ्री लेना है। इसके अलावा देखिए 1 किलो चना दाल है, ये पूरा एंटाइटलमेंट देख लिया, यानी अगर ये यहाँ पर दिख रहा है तो आपको इतना राशन छुड़ाना है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। देखिए आपको कम राशन देता है लेकिन ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरा दिखाता है। सो यहाँ पर ये जिसका भी राशन कार्ड है उनको भी 10 10 किलो और 5 किलो दिया था, यानी टोटल राशन 15 किलो दिया था जबकि इनका 25 किलो है। सो और यहाँ पर इनके नाम से जो एंटर जो ट्रांजेक्शन डिटेल आया है वो 15 किलो और 10 किलो का, यानी कि आपका जो शॉप ओनर है वो इस तरह से आपके राशन को चोरी कर लेता है। सो आप पहले अपना राशन इस पूरे वेबसाइट पर चेक कीजिए, और जो वेबसाइट पर जो भी आपका राशन एंटाइटलमेंट है, जो भी आपको अलॉट हुआ है, वो राशन छुड़ाइए। जय हिंद। अगर आपका राशन शॉप ओनर आपको राशन देने से जो महा ईपोस की वेबसाइट पर कोटा दिख रहा है उस कोटे के हिसाब से देने से मना करता है तो आप घबराइए मत, आपको धमकाता डराता है तो आप डरिए मत, आप निश्चित रहिए आपके साथ आप यानी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स सक्षम है आपको राशन दिलाने के लिए और राशन करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। सो आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उसको ज़रूर उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको राशन छुड़ाने में कोई दिक्कत होती है तो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, हो सकता है यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है, बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता है यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है, बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।